अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके अंदर बहुत फर्टाइल आइडिया है। तो फर्टाइल आइडिया का अगर 1/1000 अंश भी अगर आप इंप्लीमेंट कर लें तो आपके समस्त कार्य सफल होंगे, आपकी रोजी रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नए तरह के व्यापार करेंगे, काम करेंगे। तो आप हवाई महल बनाने के बजाय अपने कार्यों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जो भी आपकी इमेजिनेशन अगर रियलिटी में बदल सकते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतर चल रहा है। माली हालत आपकी अच्छी होगी, रचना के क्षेत्र से धन मिलेगा, किताब का लेखन कर सकते हैं, साहित्य का लेखन कर सकते हैं और नए तरह के कार्य करने से आपको साहित्य के क्षेत्र से पुरस्कृत भी किए जा सकते हैं। माली हालत आपकी अच्छी होगी, विभिन्न प्रकार के स्रोत से इनकम का जरिया बढ़ सकता है। छोटी छोटी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, निगेटिव थॉट पर चले जाते हैं। तो यदि आपको प्रगत करना है तो अपनी सोच बदलने की जरूरत है। छोटी छोटी बात को लेकर परेशान ना हो और इमोशनल होकर कोई निर्णय ना लें तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा अपने अंदर एक तो अपने को थोड़ा संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने में सफल होंगे, माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन से लाभ मिलेगा। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। माता का सुख मिलेगा, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से आपको धन लाभ मिलेगा, आय का जरिया बढ़ेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूरदर्शिता बढ़ेगी और कोई भी खडयंत्रकारी है वो सब विफल रहेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पत्नी को लेकर के जो तनाव की स्थिति वो समाप्त होगी, पत्नी की भूमिका सहयोगात्मक रहेगी और पत्नी के सहयोग से बहुत सारे जो रुका हुआ कार्य है उसमें सफलता मिलेगी और आपकी माली हालत बहुत अच्छी होगी। देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है, आयात निर्यात कर सकते हो, उससे आपकी धनागम की स्थिति अच्छी हो सकती है। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, पिता से लाभ मिलेगा किंतु वैचारिक मतभेद रहेगा, कोई पुराने मित्र मिलेंगे जिसके मिल जाने से आपको अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कटुता आ सकती है और अगर छोटी छोटी बात को लेकर के तनाव की स्थिति उससे दूर होने की जरूरत है। हेल्थ पर सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन लाभ होने की भी संभावना बन रही है। संघर्ष कम होगा, खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है, आय से अधिक व्यय से आपका मन दुखी रहता है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि जो आप कल्पना करते हैं उसको कार्य रूप में परिणत करने की जरूरत है, गुस्सा पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और आज आप क्या करें कि गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ जरूर खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 4 है और शुभ रंग सफेद है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई नया व्यापार नया कार्य करना चाहते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। पुराने मित्र मिलेंगे, उनके सहयोग से आपके काफ़ी कार्य संपन्न होंगे और किसी महिला मित्र के सहयोग से आपका कई बड़ा कार्य संपन्न होगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, देश विदेश की यात्रा होगी, माली हालत आपकी सुदृढ़ होगी, नए तरह के व्यापार करेंगे, शेयर ट्रेडिंग इत्यादि में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप यदि टेक्निकल फील्ड में कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा, पुराने मित्रों के मिलने से भी मन प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, भाई बहनों का सुख मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य और नए मेहमान के आगमन की भी संभावना बन रही है। देखा जाए तो यह कालखंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, माता का सहयोग मिलेगा, माता के आशीर्वाद से आपके कई कार्य संपन्न होंगे, माता के सेहत को लेकर के आपके मन में थोड़ी चिंता की स्थिति बन सकती है। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात माने, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, आपकी परेशानियां दूर होने का समय आ गया है। रोग और शत्रु को हल्के में न लें, उनको गंभीरता से लें और जो भी प्रॉब्लम हो उसको तत्काल प्रभाव से हल करना आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इससे बचना, कोर्ट कचहरी में न्यायालय में अगर कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको आशातीत सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में नए तरह के कार्य के क्षेत्र में इंडस्ट्री या कोई नए तरह के कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी के सहयोग से कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, पत्नी की भूमिका बड़ी अहम होगी लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बच्चों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, रोजी रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, नए तरह के काम करेंगे, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, नए तरीके के कार्यों से आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा, पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इनकम का जरिया बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन धान की स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी।
खर्च पर नियंत्रण करने की जरूरत है। आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करें। आप आय से अधिक व्यय करते हैं जिससे आपको अनावश्यक रूप से चिंता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए बेहतर होगा। उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है, पंचमेवा के खीर से हवन करना है और भगवान शिव को, चूंकि सावन का महीना चला तो भगवान शिव को रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें अपने घर में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव के नामों का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव आशुतोष आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके लिए शुभ अंक है 3।